पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ गया मैं। तुम्हारे दिल में सिर्फ एक वसवसे से डरा गया, अपने दिल से अपने दिमाग से सारे डर सारे वहम निकाल के बाहर फेंक दूं। बड़ी मुश्किल से पाया है मैंने तुम्हें, जान लगा दूंगा तुम्हें ख्याल से रखने में, समझी? मुस्कुराओ, ऐसे खुश रहो, बस ये समझ लो कि तुम्हारा मजाज ही होता तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने देगा। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी और धोखेबाज निकलोगे। तुमने मुझे खुद से नजर बनाने के काबिल नहीं छोड़ा, क्यों? आखिर क्यों? पीटर, I have loved you so much. Then क्यों? क्यों? कौन सी कमी रहेगी थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, चाहे किसी की भी कसम उठवा ले, मैं सच कह रही हूँ, झूठ है, मैंने मैंने किसी को मैसेज नहीं किया। तुम भी झूठी और तुम्हारी कसमें भी। बीना बेटा, क्या हुआ है? क्यों चुप हो बेटा, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई सबब जरूर होता है। मुझे नहीं बताओगी? स्नेहा नजर आया, तो बस इतनी सी बात है। काश मेरे लिए भी इतनी सी बात होती। जो हो गया उसे भूल जाओ बेटा। अब तुम निहाल के जिक्र पे इस तरह उदास मत हुआ कर। काश इतना मजबूत होती मैं। तुम मजबूत हो बेटा, वरना जितनी मुश्किलें तुमने सही है ना, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक टूट फूट जाती। टूटी तो गई हूं मैं, बेटा सियाने कहते हैं कि फलदार दरख्त हो ना उसी पे पत्थर पड़ते हैं। उन्हीं पत्थरों ने मुझे चूर चूर कर दिया खाली। नहीं बेटा, उन मुश्किलों ने तो तुम्हें मजबूत बनाया है। और फिर बेहसियत मुसलमान, हमें तो ये पूरा यकीन है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। तुम देखना, ये सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और बस आसानियां ही तुम्हारे नसीब बनेंगी। सच कह रही है?
हाँ बेटा सच कह रही। ना काम शादी, कोई ना काम जिंदगी थोड़ी होती है बेटा। उस बेवफा को देखो, दूसरी शादी करके मजे से जिंदगी गुजार रहा है। तुम भी खुश रहो, तुम अकेली तो नहीं हो ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। बस अब दुखी और उदास मत हुआ करो। क्या करूं खाला, जब भी पुराना वक्त याद करती हूँ सिर्फ दुखी दुख नजर आता है और कुछ नहीं। हाँ तो मत याद करा करो ना उन वक्तों को। अब तुम ना अपने आने वाले भांजे के बारे में सोचो, उसका नाम तुमने ही तो रखना है। डॉक्टर ने अगले हफ्ते की तारीख दी है। तुम देखना बेटा, ये आने वाला बच्चा ना हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। जिंदगी मेरी, जिसका एक फैसला भी मैं अपनी मर्जी से नहीं ले सकती। हिसाब बना रखा। मामा आप चाहती क्या है, मैं इस घर में घुट घुट के मर जाऊं? क्या चाहती हैं आप? हाँ हिस्सा बोलो, पागल हो गई हो? कोई सुन लेगा? तू सुनते है तो सुन ले। किसी को अगर मेरी खुशी का एहसास नहीं तो मुझे भी किसी का कोई लिहाज नहीं है मामा। रमशा, औलाद माँ के कदम मजबूत करती है ससुराल में, इस घर में तुम्हारे कदम और मजबूत कर देगी ये तुम्हारी औलाद। तुम्हारे और रिफत के दरमियान जितने इख्तलाफात हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आती? मैंने ना निहाल से शादी लाइफ को एंजॉय करने के लिए की थी, ना कि जिम्मेदारियां पालने के लिए। अभी शादी को अरसा कितना हुआ? और आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है मैं बीना हूँ? ये लोग जो भी कहेंगे मैं चुपचाप सुनती रहूँ? नहीं, जैसा ये मेरे साथ सलूक करेंगे ना बिल्कुल वैसे ही जवाब आगे से मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तुम बिल्कुल बीना नहीं और बीना बन भी नहीं सकती। चाहो बीना तो बीना जितनी आला जल्फ नहीं हो सकती तो। और एक बात याद रखना, ये जिस जाकिर के बलबूते पे तुम इतना उछल रही हो ना, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा वो। सानिया वेट कर रही है। क्या अभी जाना जरूरी है?
बाद में भी तो जा सकती हूँ। क्यों? बस अभी जाना जरूरी है। बहुत खूबसूरत लग रही है। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। जुदा है जुदाई की रस्में भी सारी, करेंगे अदा, रस्में करेंगे अदा। मुझसे खता क्या हुई थी बता, मेरे प्यार का मैं बजाती सदा। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब आप होंगे ना साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो क्यों? कि आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं महफूज हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, जैसे आप मेरी हिफाजत कर लेंगे। और अगर मेरा साथ ना हो तो? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके बगैर कहीं नहीं जा सकती। इतना एतबार है मुझ पर, मुझसे भी ज्यादा। यार अलीज़े, कब से मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही थी। यार सारा अरेंजमेंट्स करने में थोड़ा टाइम लगे, बस अब तुम निकल आओ। हाँ बस ठीक है, एक घंटे तक निकल रही हूँ मैं। शायद तुम्हें रात क्लिनिक पर गुजारनी पड़े। क्या कह रही हो यार, मैंने तो निहाल को कुछ भी नहीं बताया। उसे कह दो यार रात मेरे पास रुको, सेफ साइड कह दो, हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े। पता नहीं यार, मुझे फिर भी कुछ डर लग रहा है। ओह कम ऑन यार, आई एम विद यू, तुम बस आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आ रही। चार या ताला की इतनी बड़ी नेमत है ये, उसे ठुकराना ये गलत है। पर हम कौन से बूढ़े हो रहे हैं, कुछ सालों बाद प्लान कर लेंगे ना। अब्शा, ये एक जान का मामला है, इसे दुनिया में भेजने के लिए हमारी झोली में डाल दिया क्या? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा वैसा कदम उठाने का ख्याल भी आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रमजा। हाथों में जान नहीं है क्या? जरा ढंग से दबा लो बीमार माँ को। मामा एक तो ना आप
बीमारी में और भी चिड़चिड़ी हो गई है। कोई शर्म लिहाज नहीं रहा। एक तो माँ बीमार है, ऊपर से बातें सुना रही है। अरे तुमसे तो वो बीना ही अच्छा। लगता है आपकी दोस्ती हो गई है बीना से। उससे दोस्ती करती है मेरी जूती। उसने जो कुछ किया है ना, ये ठीक हो जाने तो जरा। उसे इस घर से ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी आर पाने। बस कर दे मामा, जितना ख्याल और खिदमतें वो आपकी करती है ना, इतना कोई इंसान सिर्फ अपने ही कर सकता है। बस। और शहरयार ने क्या उसकी कमनाज बर्दानियां की हैं? तुम में और बीना में कोई फर्क नहीं रखा। जो तुम्हें खिलाया, पहनाया, पढ़ाया, लिखाया, उतना ही उस पे खर्च किया। तुम्हारी शादी से ज्यादा धूमधाम से शादी की उसकी। मरते मरते जायदाद में ही सब तक दे गए उसे। कम एहसानात है क्या शहरयार के उस पर? और अगर वो एहसान फरामोश हो जाए तो? आपके सामने खड़े होकर आपको कहे कि ये घर मैं बेचना चाहती हूँ, आपकी खिदमतों से इनकार करते हैं, ये जो 3 दफा आपके दिन में पैर दबाती है उससे मना करते हैं, तो क्या करेंगे? मामा, आपके बहुत बुरे रवैये के बाद भी उसने कभी भी आपकी खिदमतों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हमेशा आपकी खिदमत करती आई है। तो क्या करूं? सर आंखों पे बिठा लूं, नजरें उतारूं, कसीदे पढ़ा करूं उसके, क्या करूं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस कह रही हूं कि अब बस बहुत हो गया, अब सच्चे दिल से माफ कर दें उसे। और अगर इतना भी नहीं कर सकती ना, तो उस बेचारी से अपना मूड कुछ बेहतर कर ले। खुदा भी अपने बंदों को माफ कर देता है मामा। सानिया, मैं खुदा नहीं, मैं उसकी एक अदना गुनाहगार बंदी हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरा दिल दुखाए, मेरी बेटी का घर उजाड़ दे और मैं उसे माफ कर दूँ। और ये जो तुम उसकी वकालत में अपनी माँ को दर्श दे रही हो ना, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। आरफा बहन, जाओ देखो कौन है दरवाजे पे। जी। आरफा बहन, सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पहले ये बताओ कि बीना घर पर है या नहीं है? बीना तो घर पर नहीं है, क्यों? चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आई थी। दरअसल मुझे तुम्हें खबरदार करना था, तुम्हारे मियाँ और बीना का धुआंधार चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ भाई, अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने गली के कोने पे बीना को अजलान की गाड़ी से चोरों की तरह उतरते हुए और फिर
वक्फे वक्फे से घर में दाखिल होते हुए देखा है दोनों को, और आज 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 क्या आंटी? तौबा तौबा, भाई बेशर्मी की भी कोई हद होती है। शॉपिंग मॉल में खुले आम इस तरह घूम रहे हैं जैसे कोई फिल्मी जोड़ा हो। आंटी ये क्या कह रही हैं? अरे बीबी मैं वही कह रही हूँ जो मैंने इन आंखों से देखा है। मुझे तो बीना की नीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जरूर सौतन बनने की तैयारी कर रही है। आंटी मैं नहीं मानती आपकी बात को। अरे भाई तुम मानो या ना मानो, हमारा फर्ज था तुम्हें बताना, आगाह करना। अच्छा तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं, उनसे तो मिल लूं? नहीं वो सो रही हैं, आपसे अभी नहीं मिल सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ ना, फिर कभी मिल लीजिएगा आप उनसे। अच्छा मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरा दिल दुखाए, मेरी बेटी का घर उजाड़ दे और मैं उसे माफ कर दूं। और ये जो तुम उसकी वकालत में अपनी माँ को दर्श दे रही हो ना, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए सानिया, बस। और मेरी कोई नियत नहीं किसी चीज के पीछे। ये बात तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के वक्त तुम्हें पता था कि ये दिल किसके लिए धड़कता है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए ना तुम मेरे दिल को सीने से निकाल सकते हो और ना ही पीना को इस घर से। वरना क्या? मैं बीना को अपने घर में शिफ्ट कर दूंगा, और जैसा मेरा दिल चाहेगा उसको वैसा रखूंगा, फिर चलती रहना सारी जिंदगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अजलान। अगर तुम लोगों ने बीना को यहां पर सुकून से नहीं रहने दिया ना, तो मैं ऐसा ही करूंगा। तुम भूल सकती हो बीना की सारी गलतियों को, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगी कि उसने किस तरह से अजलान पे डोरे डाले और तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की। इतना नुकसान उठा चुके हो तुम, पता नहीं तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी। तुम देख रहे हैं ना, एक दिन वो तुम्हारे शौहर पे और तुम्हारे बच्चे पे कब्जा कर लेगी। तुम समझोगी कब? सानिया प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। रोज रोज तरह तरह के ताने मारना, जलील करना, मेरे किरदार पे कीचड़ उछालना, आखिर साबित क्या करना चाहती हो? कि तुम निहायत धोखेबाज और झूठी इंसान हो, जो बड़ी ढिठाई से अपनी बहन के घर पर डाका डाल के बैठी है। मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी कि अल्लाह तुम्हारी आंखों से पट्टी उतारे और तुम्हारे सामने सच्चाई लाए। सानिया
क्या हो गया? रो क्यों रही हो? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी मम्मा, मैं फिर गलत थी इन दोनों के बारे में। क्या हो गया बेटा? क्या किसी ने कुछ कहा है? किसी ने अजलान से लड़ाई हो गई तुम्हारी? वो पड़ोस में जो आंटी रहती है ना, अभी घर आई थी, मुझे बता रही थी कि बीना और अजलान को बाहर घूमते फिरते देखा उन्होंने। देखा देखा, इसी बात से मैं डर रही थी। शुरू दिन से मैं तुम्हें समझा रही थी कि ये बीना डायन है, तुमसे तुम्हारा शौहर छीन लेगी, लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार नहीं किया था। क्या हुआ है? तुम रो रही हो? हाँ, उसी बात पे रो रही है जिस पे तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। अजलान और बीना के मुआशके पर। अस्तग़फ़ुरुल्लाह, किस किस्म की बातें करी हैं आप? किसने कहा है इस तरह? बस कर दें खाला, आप तो अपने बेटे के ऐप पर भी पर्दा डालने लग गई। साजिदा, मेरी बेटी की हालत देख रही हो ना तुम? देख रही हो ना मेरी बेटी की हालत? अरे मेरी बदनसीबी तो देखो, मैं तो अजलान को बद्दुआ भी नहीं दे सकती, और वो मनुष्य बीना, उसका तो मैं खून पी जाऊंगी। मैं उसे इस घर से नहीं निकाल सकती ना, इस घर को मैं उसकी कब्र बना दूंगी, देखना तुम। आपा, तुम तो चली ही जाओ यहां से, तुम चली जाओ। तुमने और तुम्हारे बेटे ने हम दोनों को धोखा दिया। तुमने हमेशा उसकी गलतियों पर अपनी आंखें बंद रखी साजिदा, और अभी तक तुम यही कर रही। क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप दोनों को गलतफहमी हुई है आपा, बीना और अजलान के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ खाला? सानी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से रो रही है। देख लो, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से रो रही है। खुश हो जाओ तुम। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मेरी वजह से क्यों रो रही हो तुम? तुम्हें ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? अब तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। सानिया, क्या बदतमीजी कर रहे हो? अपने होश में तो हो तुम? अच्छा, इश्क तुम दोनों लड़ा रहे हो, और होश में और बदतमीजी मैं कर रही हूँ? इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। नहीं मामा, अब इनकी मजीद चोरियां नहीं चल सकती। अगर ऐसे ही चलना है तो अजलान को अभी और इसी वक्त मुझे तलाक देनी होगी। सानिया, सानिया, सानिया बेटा, या अल्लाह, सानिया, वो तो नहीं, देखो अजलान, फोन करो, तुम डॉक्टर को फोन करो, बिना पानी लेकर आओ बेटा। सानिया, सानिया, मैं फोन करता हूँ डॉक्टर। बेटा फोन करो, सानिया, आप
क्यों परेशान टहल रहे हो? अजान बैठ जाओ, सब ठीक होगा, देखना इंशाल्लाह। बिना बहुत डर लग रहा है मुझे। किस बात से? अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो। नहीं होगा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, देखना इस परेशानी से अल्लाह ही निकालेगा हमें। डॉक्टर क्यों नहीं? कैसी एहसान? देखिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, उनकी हालत बहुत नाजुक है। फौरन ऑपरेट ना किया तो बच्चे और माँ की जान को दोनों को खतरा है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि सानिया की हालत बहुत खराब है। हमें किसी भी तरह बस सानिया सलामत चाहिए हमें, और कुछ नहीं। आप परेशान ना हो, हमसे जितना बेहतर हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर अफजान, आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। आप परेशान ना हो। ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो। अब तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। सानिया क्या बदतमीजी कर रहे हो? अपने होश में तो हो तुम? अच्छा, इश्क तुम दोनों लड़ा रहे हो और होश में और बदतमीजी मैं कर रही हूँ। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। नहीं मामा, अब इनकी मजीद चोरियां नहीं चल सकती। अगर ऐसे ही चलना है तो अजलान को अभी और इसी वक्त मुझे तलाक देनी होगी। रमशा नहीं आई खाने पर? रमशा अपनी दोस्त लीजे की तरफ है, आजाद वहीं पर रहेगी। व्हाट? तुमने उसे बाहर रुकने की इजाजत कैसे दी? तो क्या करता मां, उसे लड़ता झगड़ता? आप तो उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अच्छा, तो अब उसकी मनमानी की हमें आदत डालनी पड़ेगी, यही ना? जब रिफत आप परेशान में तो मैं फोन करके उसे कहती हूँ वापस आ जाओ। हाँ, बेहतर यही होगा, वरना अगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई ना तो इस घर में फसाद खड़ा हो जाएगा। मॉम बस कर दें, अब गया हूं मैं, ये ना हो कि कहीं मैं ही इस घर से बाहर चला जाऊं। निहाल, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तहम्मुल से सोचोगे तो हर मसले का हल निकल सकता है। जी करीम भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगर रमशा बिगड़ गई है तो जाहिर है उसे सुधारने के लिए भी हमको ही कोशिश करनी होगी ना। लो,
मिधा तुम ये इसलिए कह रही हो कि वो तुम्हारी बेटी है? नहीं, मैं हरगिज भी इसलिए नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वो आपकी मंजूर नजर और कुछ दिन पहले तक बीना का रिप्लेसमेंट थी।